बाइक थोड़ी अकेली रह गई थी ओ भाई, ये क्या हुआ? कि हम थोड़े गलत रास्ते पे आ गए थे। हमें हमारा एक्चुअली जो स्पॉट था वो सामने रहा पहाड़ी, यहाँ पे जो है सीन हो गया है, यहाँ पे जो गिर गया हमारा एक बंदा यहाँ से। वेलकम बैक गाइज, आज हम जा रहे हैं घुमारवीं और आप सबका स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में जो घुमारवीं के लिए है। और आज हम बाइक राइडिंग पे जा रहे हैं तो आप सबको मजे कराएंगे आज तो। हेलो गाइज, वेलकम बैक इन आवर न्यू ब्लॉग। तो आज हम जा रहे हैं कहीं घूमने तो आप सबको भी लेके जाते हैं हम साथ में, और काफ़ी इंटरेस्टिंग ब्लॉग होने वाला है तो साथ में बने रहिएगा हमारे। और अभी मौसम काफ़ी सही बना हुआ है, काफ़ी अच्छा है, आज धूंध नहीं है। जा रहे हैं बाइक पे जा रहे हैं, और लेकिन अभी हम जा रहे हैं घुमारवीं, तो घुमारवीं हमें बस से जाना पड़ेगा। तो अभी हम जा रहे हैं बस लेने, 8 बज रहे हैं सुबह के, और 8 बजे एक गवर्नमेंट बस आती है जो कि ऋषिकेश जाती है, तो हम जा रहे हैं उसी बस में जाएंगे। और हाँ गाइज, आज का ब्लॉग बहुत ताड़फाड़ वाला होने वाला है। तो गाइज, इनके बाइक का पेट्रोल हमेशा खत्म हो जाता है, तो चलिए फिर भरवाते हैं, फिर से फिर चलते हैं। तो गाइज, अब भाई हम जा रहे हैं बाइक के पास, यहाँ छोड़ के गए थे हम बाइक, देखते हैं यहाँ पे है भी कि नहीं, थोड़ा काम था इसलिए। तो गाइस अभी हम बैठे हैं ज्ञान में, और यहाँ पे हमने मोमोज दिए पैक करवाने के लिए, जो हम वहाँ पे जाएंगे और वहाँ पे पार्टी करेंगे, तो चलिए चलते हैं। आ रहे हैं, हमारे मोमो पैक करने के लिए दिए हुए हैं, और यहाँ पे हम बैठे हुए हैं, 5 मिनट हो गए हमें यहाँ बैठे हुए, हम यहाँ से पैक करवाएंगे और फिर चलेंगे। तो गाइज, यहाँ पे हम जो है गूगल मैप के हेल्प ले रहे हैं पहुँचने के लिए, क्योंकि हम पहली बार जा रहे हैं वहाँ पे, अभी तक मैं तो गया नहीं, पहली बार जा रहा हूँ, तो रास्ते का कोई पता नहीं हमें, अभी देखते हैं क्या बनता है, गूगल मैप से पता कर रहे हैं हम लोग। वो रहा स्पॉट, उस पहाड़ी पे जा रहे हैं हम, वहाँ पे काफ़ी अच्छा व्यू है और काफ़ी अच्छी जगह है, तो यहाँ से हमें दिखाई दे रही है वो जगह। और जब हम सोनी देवी टेम्पल गए थे वहाँ से भी हमने आपको ये जगह दिखाई थी, अगर आपको याद हो तो, और हमने सोचा भी था यहाँ आने का, पहले हमने जो है मुरारी देवी का बनाया हुआ था प्लान, लेकिन वहाँ कुछ वजह थी वहाँ जा नहीं पाए, लेकिन यहाँ का बनाया है क्योंकि 300 सब्सक्राइबर भी पूरे हुए तो यहाँ आने का प्लान बनाया। और यहाँ रास्ता देख सकते हो आप कितना ख़राब है, अगर आप यहाँ पे आते तो बाइक वगैरह लेके आइए, अगर कार वगैरह में आओगे तो काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है इस रोड पे। तो ये रहा गवर्नमेंट स्कूल सोहल, जो है ये गांव है यहाँ पे,
और देख सकते हो आप यहाँ का रोड बीच बीच में काफी सही है लेकिन खराब भी है बहुत। तो चलिए फिर मिलते हैं उस जगह पे। तो गाइज हम पहुंच चुके हैं बद्दा घाट में अभी, और हमने बाइक यहाँ पे रोकी ताकि आप सबको बता सके हम कि कौन से रोड पे जाना है। हमारे जो स्पॉट पे हम जा रहे हैं वहाँ पे जाने के लिए, यहाँ पे जैसे आप मारवीं से आओगे तो ये पहले तो सिंगल रोड है, नॉर्मली सिंपल रोड है, आप सबको पता चल जाएगा। लेकिन जैसे आप यहाँ पे पहुँचोगे, यहाँ पे दो रोड जाते हैं, एक तो निहारी साइड जाता है जो कि यहाँ से 3 किलोमीटर दूर है, और एक जाता है हमारे स्पॉट की तरफ। तो आप ध्यान रखना यहाँ पे जब भी आओगे। तो वो रहा, वहाँ पे एक बोर्ड भी लगा हुआ है जहाँ पे लिखा हुआ है बद्दा घाट 0 किलोमीटर और निहारी 3 किलोमीटर। तो आप यहाँ से जो है वो लेफ्ट टर्न लेना, क्योंकि जो है जो अगर राइट आप सीधे चले जाओगे तो आप निहारी साइड चले जाओगे और आप अपना रास्ता भूल भी सकते हो। तो आप यहाँ से लेफ्ट टर्न लेना ताकि आप सही जगह पहुँच सको। तो गाइज यहाँ पे हम कंफ्यूज हो गए हैं रास्ते की वजह से। तो अभी हम बद्दा घाट में हैं, बद्दा घाट मार्केट है ये। अगर आप लोग भी आओगे यहाँ पे तो ज़रूर विज़िट करना और ध्यान रखना इस रास्ते को, याद रखना। तो चलिए चलते हैं फिर। हम रुके हैं क्योंकि हम थोड़े गलत रास्ते पे आ गए थे। हमें हमारा एक्चुअली जो स्पॉट था वो सामने रहा पहाड़ी पे, हमें वहाँ जाना था और हम थोड़ा सा जहाँ से हम आगे आए थे वहाँ से हम थोड़ा रास्ता भूल गए और गलत रास्ते पे आ गए, और अब हम वापस जा रहे हैं। एक्चुअली जो रास्ता बद्दा घाट से जो जाता है ऊपर वाली साइड को जाता है, राइट साइड को जाता है, उससे हमने जाना था। लेकिन हम चेक करना चाहते थे कि जो हमारे मैप पे दिखाई दे रहा रास्ता वो भी सही है या गलत। तो वो रहा स्पॉट, काफ़ी सही जगह है, हम वहाँ पे जाके आते हैं, अभी आपको दिखाते हैं। तो गाइज यहाँ पे पहुँच चुके हैं हम जहाँ से हम गलत रास्ते पे गए थे। यहाँ से जो अगर आप घुमारवीं से आ रहे हो तो आप राइट साइड को लेना, यहाँ पे लिखा भी है। क्या लिखा है मुझे पढ़ने नहीं आ रहा, पर जो भी लिखा है दसारू। हाँ, तो यहाँ से लेना राइट साइड को आप रास्ता, और यहाँ से आप हमारे स्पॉट पे पहुँच जाओगे। तो चलिए मिलते हैं स्पॉट पे फिर। गाइज हम थोड़ी देर में पहुँचने वाले हैं, बस कुछ ही देर का रास्ता है, और यहाँ हम रुके हैं। यहाँ से आप देख सकते हो वो रहा हमीरपुर का इलाका, जहाँ हमीरपुर शहर है उस साइड, और दूसरी तरफ आप देखोगे यहाँ से हम आए थे, ये रहा घुमारवीं साइड, और यहाँ से हम आए थे और हम जा रहे हैं अभी इस साइड जहाँ स्पॉट है और आप सबको घुमाने के लिए। और आज हमारे 300 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं, तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि हमें ऐसे ही प्यार करते रहो। और अगर हमारी वीडियोस अच्छी लगे तो उन पे कमेंट भी करना अच्छे अच्छे, और अपने दोस्तों को शेयर भी करना अगर अच्छी लगे। तो आप देख लीजिए यहाँ से पहाड़ों का, सामने वाली पहाड़ी पे बर्फ़ वगैरह भी पड़ी है लेकिन यहाँ से अभी धुंध की वजह से वो दिखाई नहीं दे रही है। तो अगर हम अगली बार आएंगे तो आपको ज़रूर दिखाएंगे। तो चलिए चलते हैं, थोड़ा सा रास्ता रहा है, और चलिए फिर चलते हैं। गाइज हम पहुंच चुके हैं अपनी लोकेशन पे, और यहाँ पे एक मंदिर है जहाँ पे हम जा रहे हैं। या ब्रो, एक तो वहाँ पर बथेरे भी हुए हैं, ये यहाँ का डॉगी यहाँ की रखवाली करता हुआ, और जूते हम यहीं खोल देते हैं। सो फाइनली गाइज हम पहुंच गए हैं अपनी लोकेशन पे, और ये रहा आपके लिए सरप्राइज कुछ खास, बिकॉज वहां पे हम गए थे सोनी देवी टेम्पल में, जब हम गए थे तब आपको दिखाया था, वहां से एक जगह दिखाई थी, एक स्पॉट दिखाया था कि हमने बताया भी था कि हम वहां पे कभी ना कभी जरूर जाएंगे। तो आज ही हमें मौका मिला यहाँ पे आने का, और नीचे देख सकते हो यहाँ पे इतनी हाइट है कि दिमाग घूम रहा है अभी।
तो काफी मतलब कि जितना सोचा था उससे बहुत ज्यादा यहाँ पे जो है हाइट है। और मैं भी मैं बहुत पहले यहाँ पे आया था, लेकिन वहां तक ही आ पाया था, यहाँ पे नहीं आ पाया था ड्यू टू यहाँ के बिकॉज, क्योंकि रोड वगैरह नहीं बना हुआ था। और यहाँ पे आप देख सकते हो कितनी हाइट है, मेरे को तो यहाँ पे मतलब खड़े होने में भी डर लग रहा है। ये देखिए कैसे देख रहे हैं नीचे। तो गाइज आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद 300 सब्सक्राइबर के लिए। और आप ये देख लीजिए, यहाँ पे आए हम स्पेशली बिकॉज थोड़ा सा इंजॉय भी करना था, और क्योंकि आप लोगों ने इतनी सपोर्ट करी तो आप लोगों को एक बहुत बढ़िया जो लोकेशन दिखानी थी आपको। मैं यहाँ जो मैप का जो यहाँ पे लिंक डाल दूंगा मैं लोकेशन का, अगर आप लोग यहाँ पे आना चाहते हो तो यहाँ पे आ सकते हो। ये देखिए यहाँ पे एक गुफा बनी हुई है, थोड़ी सी छोटी सी बनाई गई है, और इतनी हाइट पे यहाँ पे आना बहुत जो है खतरनाक भी है और बहुत अच्छा भी है। ये बताया यानी थोड़ी देर रेस्ट कर लेते हैं। और ये हमारे छोटे भाई है, हमारे साथ आए हुए हैं, ये राइडर है मेन, बाइक चलाने का काम इन्हीं को दिया गया है हमारे साथ। और पीछे वाली साइड आप देख सकते हो कितना मतलब मस्त नजारा है यहाँ से। पीछे वाली साइड देवसिद साइड है, नीचे देवसिद मंदिर है, और कौन सा है, नीचे बैठी है। और जो नीचे आपको गांव दिखाई दे रहा है ये बर्ठिंग का गांव है, उस सामने ये जो पूरा इलाका है वो बर्ठिंग का इलाका है आपको। और अगर आप यहाँ पे आए हो तो आपको पता ही होगा यहाँ के जो बर्ठी जो गांव है यहाँ पे। और पीछे का आप देख सकते हो यार, वो बहुत ही सही है, मेरे को तो बहुत सही लग रहा है यहाँ से। यहाँ पे हवा वगैरह भी चली हुई है धीरे धीरे, देख सकते हो आप यहाँ से हाइट कितनी हाइट है। फोन गया तो फिर मैं भी गया, तो फिर कैसे दिखाऊंगा मैं सबको फिर। हेलो गाइस, यहाँ पे जो है सीन हो गया है, यहाँ पे जो गिर गया हमारा एक बंदा यहाँ से, और अभी हम आपको दिखाते हैं यार, बहुत ही गंदा सीन हो गया है यार। साहिल दिखा यार, कौन गिरा, जरा गिरा जरा। तो ये हमने पत्थर गिरा यार, पत्थर हमारे साथ आया था बड़ी मुश्किल से यार, अब कैसे ढूंढे उसे। अब देखना नीचे यार कहाँ से लेके आए उसको, देखो ले यार कहाँ से लेके आए। अब आप लोग ही बताना कमेंट करके कि कैसे हम अपने पत्थर को ढूंढ सकते हैं। गाइज अभी हमारे बीच में कंपटीशन होने वाला है, पत्थर मारो कंपटीशन, देखते हैं कौन सबसे आगे इस पत्थर पत्थर सबसे आगे कौन फेंकता है। ठीक है, तो निशान लगाए रखना, पहले आपकी बारी है, पहले आपकी बारी है, पत्थर मारोगे, मैं निशाना लगा लेता हूँ कहाँ जैसे गिरेगा फिर। तो मेरी बारी है, मैं देखता हूँ मेरे से नहीं होगा भाई, नहीं क्योंकि मेरे से नहीं होगा, देखते हैं। आप हार चुके हो भाई, मेरा आगे गया। ओ भाई हार चुके हो, मेरा आगे गया, मान जाओ आप हार चुके। मेरा आगे गया, मेरा आगे गया, अब फिर से देखते हैं, फिर से मार दूं। दो ये सिरे फिर से मारते हैं, ये सेकंड ट्राई है और लास्ट ट्राई है। फर्स्ट राउंड में जीत चुका हूं, हां फर्स्ट राउंड ये जीत चुका है गलती से, देखते हैं अभी। चलिए वही, कहाँ गया है पत्थर यार, नीचे आके गायब हो जाता है यार, ऐसा थोड़ी ना होना। अभी बेद फिर से मेरी बारी है, फिर से मैं तो मिलते हैं एक अलग लोकेशन पे और करते हैं शिफ्ट अपनी लोकेशन को, थोड़ा फोटो वाटो क्लिक कर लेते हैं यहाँ पे आए हैं तो। लेकिन अब करते हैं लोकेशन शिफ्ट और आप सबको दिखाते हैं फिर से एक और नई लोकेशन। चलिए चलते हैं फिर। तो गाइस हम दूसरी लोकेशन पे भी पहुंच गए हैं, पहले हम जिस लोकेशन पे थे वो यहाँ से थोड़े से दूर है, 5 मिनट के रास्ते पे है। और सामने आप सोनी देवी टेम्पल देख सकते हो, उस पहाड़ पे है जो आपको टावर दिखाई दे रहा है वहाँ पे है। और जहाँ पे हम अभी हैं ये जो मंदिर से थोड़ा सा दूर है, ज़्यादा दूर भी नहीं है, 5 मिनट के रास्ते पे है। अगर आप यहाँ पे आते हो तो जैसे बर्थडे वगैरह मनाते हैं तो यहाँ पे आ सकते हो आप लोग। ये देख सकते हो आप, यहाँ पे काफ़ी अच्छा स्पॉट है और जो
पेड़ हैं वो भी काफ़ी सही है यहाँ पे, यहाँ से व्यू भी काफ़ी अच्छा है। और अगर आप आते हो तो एक फैमिली स्पॉट भी है, आप फैमिली के साथ भी आ सकते हो, और अगर अकेले आना चाहते हो तो आप अकेले भी आ सकते हो, फ्रेंड के साथ आओ चाहे फैमिली के साथ साथ आओ, कहीं कुछ भी करो, लेकिन अगर आप आना चाहते हो तो यहाँ पे मैं लोकेशन डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, और अब जाके जरूर देखना। और ये हमारे भाई हैं और अभी हम थोड़ी देर यहाँ पे रुकेंगे और उसके बाद वापस चले जाएंगे। तो ऐसे ही हमारे ब्लॉग्स देखते रहो, हमारी वीडियोज़ को सपोर्ट करना, और अगर हमारी वीडियोज़ अच्छे लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, और ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, ताकि हम और ब्लॉग्स लेके आएँ अच्छे अच्छे और अच्छी अच्छी जगह पर जाएँ। तो ऐसे सपोर्ट बनाए रखना, और 300 सब्सक्राइबर होने की खुशी में ये वीडियो बनाई जा रही है, तो सपोर्ट करते रहना ऐसे ही, और 1K सब्सक्राइबर ज़रूर कर देना जल्दी ही। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तो गाइज़ हम जा रहे हैं वापस घर जा रहे हैं, घर भी नहीं जा रहे अभी, वापस जा रहे हैं अपनी बाइक के पास जा रहे हैं अभी, और क्योंकि बाइक थोड़ी अकेली रह गई थी, अकेले छोड़ दिया बेचारी को, वो वहाँ पर पार्क करी हमने बाइक अपनी। और ये रहा रास्ता यहाँ आने के लिए, तो जैसा आपने आपको लोकेशन में दिखाया काफ़ी सही लोकेशन है यहाँ पे, आप आना ज़रूर आना। और झंझार नाम की जगह है यहाँ पे, छिंजार बोलते हैं। तो अभी थोड़े फोटोग्राफ्स वगैरह क्लिक करते हैं और चलते हैं फिर वापस, फिर अभी बाइक के पास चलते हैं और देखते हैं कुछ करते हैं बाइक का भी, क्योंकि बाइक अकेली नहीं छोड़नी चाहिए। तो फिर मिलते हैं फिर।